backdrop, backdrop. क्या हो रहा है इधर? हाँ? क्या हो रहा है इधर? तू मंत्री जी? हाँ, काला धंधा है तुम्हारा? तो छुपा के रखा है? मोदी जी के पास? क्या हो रहा है इधर? कौन? हाँ ये अरुण, चलो चलने, चलो चलने, अरे, ये राकेश सावंत का पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, समझे? जब तक बैठने को बोला ना जाए तब तक खड़ा रखो अपना अपना, खड़ा रखो, क्या काला धन है ना तुम्हारे पास? काला धन नहीं है क्या? अच्छा तुम्हारे पास क्या है? सफेद है, कोड़ी है क्या? तुम्हारे पास क्या है? ताला है। बोलू क्या? ताला मैं आपकी नहीं है, वो पैदा भी नहीं हुई चल। ओके गाइस, आई एम राखी सावंत, थैंक यू। माइक है या मेरे गले में लटका हुआ माइक है या नहीं है? Should I come here or there? Yeah, you can come. Yes. Good evening, everybody. Or thank you so much. आप सब यहाँ पे आए. अभी मेरा एक नया शो आने वाला है. Short format digital के द्वारा राखी एंड खाकी मेरा नया शो आने वाला है YouTube पर. और ये शो बिल्कुल भी बंद होने वाला नहीं है, सालों साल चलता रहेगा. ये एक ऐसा शो है जो हमारी शॉर्ट फॉर्मेट मैडम है, उन्होंने मुझे चुना है. उन्होंने कहा राखी हम आपके साथ एक शो बनाना चाहते हैं जो डिजिटल सीरीज पे आएगा. एंड मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ही फनी वे में जैसे तुम हो वैसे ही हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे और आप बनाना है. मैंने कहा ओके आई एम रेडी. मैंने कहा चलो अच्छा, इतनी सेंसर बोर्ड ने दिमाग का दही कर दिया है, ये शो टीवी पे नहीं आएगा क्योंकि हर चीज़ टीवी पे सेंसर हो जाती है. तो मतलब मुझे पूरी छूट दी गई है, जिस तरह से आपने देखा ये मेरा छोटा सा ड्रामा, तो इससे भी 100 गुना ज़्यादा अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. मैं डेफिनेटली बहुत सारी बातें बताना चाहूँगी आपको शो के बारे में, लेकिन इससे पहले हम वो दिखाएंगे एपिसोड सबको, प्लीज. अरे चेयरमैन अरे चालू कर रहे बाबा, चालू कर रहे लाइट भाई, लाइट चालू कर यार. ये शॉर्ट फॉर्मेट में का अरेंजमेंट नहीं है यार, ज्यादा ये लोग नहीं कह रहे बाबा, कुछ पता नहीं इसके बारे में. अभी मंगाए तेरे सामने, नहीं बोलता तो भी नहीं मंगाते तुझे मालूम है? मैं तो मंगा लेता. हमारी मैडम तो बोल रही थी रहने दो, जरूरत नहीं है, काला काला छाप गया. क्या मतलब ये यहाँ से यहाँ टहला गया तू? हाँ राजीव को बताइए, फॉरेन जो भाग रहा था राकेश जी का, बढ़िया ना खड़क. ओहो ये तो सलमान वाला है, गंदा देख संभाल गंदा हो जाएगा. सामने सामने ये देखो ये बैठ रहे छोटे बढ़िया. चलो निकल जाओ,
चोर भाग गए, ब्लैक मनी लेके भाग गए। यून हमारी डायरेक्टर साहब प्लीज आइए ना सर। अरे कुछ नहीं करोगे, आ जाओ। हमारे राइटर नहीं आए, राइटर अभी लिख रहे हैं। कैरेक्टर निभाने में आपने किसी का इंस्पिरेशन या देख के किसी को कॉपी करने की कोशिश की है? नहीं, किसी को कॉपी नहीं करने की कोशिश की है। मैं तो पुलिस के खानदान से ही हूँ। सो मेरे डैड कॉप थे, तो बचपन से इनका ऐसे एटीट्यूड रहा है। और हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने गंगा जल किया था ना, हाँ गंगा जल टू, तो उनका वो जो पुलिस का अवतार था मुझे बहुत पसंद आया। और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं खाकी पहनूं ताकि मेरे डैड भी देखे, भले रियल में नहीं, फिल्मों में ही सही, शो पे ही सही। तो ये खाकी पहन के एक पता नहीं अजीब से अंदर से कुछ हो जाता है खाकी पहनकर। मैंने इतने रियलिटी शो को पैदा किया है, चाहे बिग बॉस हो, चाहे नच बलिए हो, चाहे स्वयंवर हो, टीवी पे मैंने अपने बहुत झंडे गाड़े हैं। बहुत ही सारे शो जनता की दया से, मीडिया की दया से हमेशा हमेशा सारे शो एकदम हिट गए हैं। एंड आई एम श्योर कि इसमें तो ये जो राखीन खाके तो बिल्कुल सेंसर भी नहीं है इसमें, तो लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और अभी उन्हें बहुत सही टाइम पे मेरा शो आ गया है, क्योंकि सभी लोग टेंशन में बैठे हैं, सभी लोग प्रॉब्लम्स में बैठे हैं, उनकी उनकी रात की नींद चैन और बिल्कुल मतलब फेस की हंसी खो गई है। तो अगर ये मेरा YouTube पे अगर ये मेरा शो देखेंगे राखीन खाकी, तो वो हंस पड़ेंगे। तो मैं सिर्फ हंसाने का काम कर रही हूँ। हाँ, वो भी हम लोग ने एपिसोड शूट कर लिया है, तो वो दिखाया जाएगा। कब कब आएगा मुझे पता नहीं, कब नेक्स्ट वीक से वो 500 और 1000 के नोट वाला आएगा एपिसोड। राखी कंट्रोवर्सीज एक्सपेक्ट कर रही है फिल्म से आप, इससे सीरीज से? सॉरी कौन सा? सीरीज से कुछ कंट्रोवर्सीज एक्सपेक्ट कर रही है आप एज एन एक्टर? कौन सा क्वेश्चन मैम? प्लीज बोलिए। हाँ सॉरी, आप क्या बोले? कंट्रोवर्सी? देखिए यूट्यूब में तो आई डोंट थिंक सो कहीं कोई कंट्रोवर्सी होगी। इसमें तो मैंने और गालियां दी थी, मैडम ने काट दी है। लेकिन राखी इन खाकी को देख के खाकी वाले नाराज नहीं हो जाएंगे आप? क्यों होंगे खाकी वाले नाराज? वो तो जैसे मैं गालियां दे रही हूँ वो तो देते ही है ना। जो भी चोर या गुनहगार है उनकी बैंड बजाने के लिए तो उनके रियली तो निकलते, तुझे आईला ये वो तो निकलती है। अरे मैं तो खुलेआम ही दूंगी ना, मैं तो शो पे हूँ। अच्छा मोदी ने जो अभी ये डिमोनेटाइजेशन किया है उसके बारे में आपको क्या बोलना है? 500 और 1000 बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ दिल से, कि हमेशा हर कोई कहता था, देश का बच्चा बच्चा कहता था कि काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा, करप्शन कब खत्म होगा। तो अच्छी बात है मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है। हाँ डेफिनेटली सबको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो हर चीज के लिए जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए तकलीफ होती है। 50 दिन दिए हैं और 50 दिन में पूरा काला धन गायब हो जाएगा और करप्शन भी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। और 50 दिन में हिंदुस्तान की जनता बहुत ही उनके अच्छे दिन आने वाला है। और जब जैसे उन्होंने कहा था कोई चमचागिरी, मैं कभी जिंदगी में किसी की चमचागिरी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। बहुत दुख है कि कुछ लोग जो है एक्सपायर हो गए हैं लाइन में खड़े हो के, बहुत दुख है इस बात का। लेकिन मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आप सनी लियोनी को रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में बहुत याद करती, क्या मोहब्बत है, नफरत है, क्या है? क्या देखिए सनी लियोनी, सनी और लियोनी मेरी दो असिस्टेंट हैं। तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की लैंग्वेज देखिए कितनी अच्छी रखती है वो। कितनी भी बड़ी पॉर्न स्टार हो, कितनी भी बड़े एक्टर हो, यहाँ पे आके उन्हें आकर हिंदी ही सीखना पड़ता है ना। मैं तो ओरिजिनल हूँ, यहाँ पे आके हिंदी सीखना पड़ता। हमारे लोग कितने अच्छे हैं, वहां पे तो न्यूड घूमती थी, यहाँ पे लोग आके साड़ी पहनाते, कपड़े पहना के पैसे देते हैं, अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने अपने असिस्टेंट का सनी लियोन नाम रखा हुआ है। उनको शो में बुलाएंगे जी? नहीं, उनके शो में तो नहीं बुलाएंगे, बट हाँ उनके ऊपर काफी शो करूंगी। काफी एपिसोड बनाऊंगी। ये पुलिस स्टेशन मुंबई का ही रहेगा? नहीं, बट पुलिस स्टेशन में तो अलग अलग केस आ सकते हैं ना, क्योंकि ये तो शो है। शो है ना। ये पिक्चर के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को?
भैया मैं तो बहुत मैसेज दे चुकी हूँ सबको, बहुत मैसेज दे चुकी, मेरा कोई मैसेज नहीं है, मेरा ये है कि बस इस एपिसोड को देखो और खूब पेट पकड़ के हंसो, यही तो एक मैसेज है कि इतने टेंशन में लोगों को हंसाना इट्स नॉट अ जोक। अरे मैं तो सबका पर्दाफाश करूंगी, मेरा तो काम ही है ये, और पूरा बॉलीवुड हो, नेता हो, कोई भी हो, सबको, सबका, सबका नाम नहीं लूंगी, ये तो एपिसोड के बाद ही आपको पता चलेगा। अभी देखो शरीफ जी को कैसे, नवाज शरीफ जी को पकड़ के लाए, वो तो अलग बात है कि नंदू निकला वो तो अलग बात है, बट ये तो नवाज शरीफ ही ना। बट ये बस पाकिस्तान में ये मतलब एपिसोड चला जाए, लोग देख ले, तो फिर बॉर्डर पे फायरिंग नहीं होगी। अरे उनके लिए, पाकिस्तान वालों के लिए तो मैं अकेले ही काफी। जय हो, जय हो, जय हो जी। So yeah, the digital space is nascent, but it's a very growing, it's a progressive space. And as far as the ROIs are concerned, there definitely is an ROI subject to the show becoming popular. And I think that's the advantage of digital, right? Everyone thrives to create good content because only good content gets viral. And hence, you know, you can actually recover your ROI. No, that's not true. That is not true at all. We've been in the digital space now for almost 10 years, and you know, this is a myth that there's only youth on the internet. It's the biggest myth. It's the biggest myth that it's only the SECA audience which is you know, which is on internet or on mobile. That's not true, because if you actually look, you know, if you look at the watchmans, or even if you look at your servants at home, all of them have entertainment on their mobile, right? If you look at, go to UP, Bihar, wherever, people thrive and they watch entertainment on phone. So I think youth, that, you know, just the youth is on mobile internet, I think that's a big myth here. And if you look at various shows on mobile, I mean, if you just look at the beauty shows on the internet, you know, there are beauty shows which are in Hindi, which do much more better than the shows that are in English. So, yeah. Ma'am, will you be doing web series and short films? Not short films. We'll be doing web series and purely because, you know, it's very difficult to create an audience, you know, in the internet space, unlike television. And, you know, once you've got the audience, then you want to engage the audience. So whatever that we will do, will be that will be either web series or will be shows like India Matters or what we're doing with Rocky, which will be like a long, you know, it'll be for a longer time. You rightly chose Rocky. She's very, very much apt for the role. In case she had refused, who was your next choice? I wouldn't have done the show. मेरा सवाल अशोक जी से है, अगर आप एक सम्मानीय और एक उच्च पत्रकारों में से गिने जाते हैं, खासतौर से राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप, एबीपी न्यूज पर भी आप काफी दिखते हैं और जानते भी हैं, खासतौर से मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो प्रोग्राम है, जो ये वेब सीरीज में, इसमें आपका क्या योगदान है? क्या बल्गेटी के बिना कोई सीरीज बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती, आपका क्या मत है? सवाल ये है कि ये एक बुके गनपाउडर के नाम से जो आया है अभी, मैं शुद्ध पॉलिटिकल कंटेंट देता हूँ। जब आप एक एंटरटेनमेंट फिल्म देखते हैं तो उसमें करुणा का रस भी होता है, हास्य रस भी होता है, फाइटिंग भी होती है, कई चीज़ें होती हैं। तो ये बुके है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसको पॉलिटिकली अवेयरनेस चाहिए, उस वो मैं दे रहा हूँ। जिसको हंसना है वो राखी दे रही है, जिसको प्योर क्राइम चाहिए उसको क्राइम दे रहा है। आप जब अखबार पढ़ते हो तो कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ अखबार में पॉलिटिकल पढ़ के निकल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि स्पोर्ट्स का पेज पहला पढ़ते हो निकल जाते हैं। मेरा बेटा स्पोर्ट का पेज, मैं और मेरी पत्नी दोनों जर्नलिस्ट है, मेरे बेटे को कभी करंट अफेयर से मतलब ही नहीं है, वो अपना स्पोर्ट्स देखता है निकल जाता है। तो ये बुके है, ये जरूरी नहीं है, ये इंटरेक्टिव नहीं है कि आपको इंडिया मैटर्स देखने के लिए राखी के शो से ही घुसना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो कॉमेडी का स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है? कॉमेडी का स्तर नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि स्तर प्रोग्राम डायरेक्टर राइटर नहीं तय करते, जर्नलिज्म की लैंग्वेज भी हम तय नहीं करते, समाज तय करता है।
आज हिंदी में जितने इंग्लिश शब्द आते हैं, हिंदी अखबारों में बाकायदा इंग्लिश रोमन में लिखा जाता है कई चीजें। तो ये डिमांड है, आप बहुत ज्यादा क्लिष्ट रहेंगे और अपनी ही एक लाइन पे चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं व्यूअरशिप छोड़ देंगे। और ये कमर्शियल वर्ल्ड है, ये मैं नहीं चाहता कि ये कोई समाज सेवा है। हम यहाँ सब बैठे हैं तो आप भी जो काम कर रहे हैं ये समाज सेवा नहीं है, यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ। तो यदि कल आज आप मनोहर कहानियां के लिए लिख रहे हैं या नवभारत टाइम्स के लिए लिख रहे हैं, वो डिमांड है आपके मैनेजमेंट की जो आपको लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखना है तो फिर आपको नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। जिस दिन मुझे ये कहा जाएगा कि आप नेताओं को गाली गलौज करो, ये डिमांड है, उस दिन हो सकता है कि मैं शो छोड़ के जाऊं, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, तो मेरी जगह कोई दूसरा आगे करेगा। तो प्रश्न ये है कि आप हमेशा वो चीज देखने के पहले आप समाज में क्या होता है ये देखिए। इफ यू सी इन सोसाइटी व्हाट इज हैपनिंग, ये शो होने के पहले, मैं ये कहता हूं कि जब रामायण आ रहा था तो कर्फ्यू लगता था, हम भी तब बिल्कुल आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं, और ये छपता था कि आज एक रामायण का एक एपिसोड देखने के लिए एक घर में टेलीविजन तो सब लोग आ जाते थे। मेरा एक आप कभी भी जाके नेट पर सर्च करिए, जिस पीरियड में रामायण आता था वो पहले 2-3 साल जो रामायण आया, क्राइम के जो ब्यूरो के जो फिगर्स है उसमें कितनी कम हुई। लोग सुनते रामायण है, जीते महाभारत है। तो हम एंटरटेनिंग, यदि राखी एंटरटेन कर रही है तो उसको ये मत सोचो कि राखी 24 घंटे यही लैंग्वेज बात करती हूँ। और यदि मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं यदि खबर के पीछे की खबर देता हूँ तो ये डरने की जरूरत भी नहीं कि मेरे से कोई बात ही नहीं करे, क्योंकि हर चीज को मैं एक्सपोज करूंगा। ऐसे कई नेता हैं कि जिन्होंने बहुत दिल की बात कही है, मुझे मालूम है कि वो सिर्फ मेरे ही पास की है, यदि मैं एक्सपोज करूंगा तो वो नेता भी नहीं रहेगा और शायद फिर मेरा वजूद भी खत्म हो जाएगा। तो मैं भी सिलेक्टिव चीजें मार्केट में लाता हूं जिस जो आम जनता को जिसमें इंटरेस्ट है। मुझे एक बार एक, मैं बड़ा ओपनली बोलता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कुछ मीडिया के बड़े नेताओं ने बुलाया था और बोला कि आप इतना क्यों खिलाफ बोलते हैं, आप साथ देना चाहिए, आप हमारे मित्र हैं। टेलीविजन पे बोलने के पहले क्या हमको आप बता नहीं सकते कि ये गलत हो रहा है, तो हम रेक्टिफाई करेंगे। मैंने बोला इससे ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं हो सकती। यदि मैंने बोला कि मेरे पास एक खबर है आपके पार्टी की और मैं बोलने के पहले यदि आप रेक्टिफाई करो तो बहुत बढ़िया है। बोला ठीक है, मैं आज ही खबर देता हूँ। मैंने हार्दिक पटेल से मेरी कल ही बात हुई, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने कहा कि हमारे मेरे एजुटेशन को मेजर फंडिंग अमित शाह ने की है शुरुआत में, मतलब आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलिए कि ये फंडिंग बंद करें। तो सबको साफ सुन गया, पर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ऐसी कई खबरें होती है, ऐसी कई चीज़ें होती है जो, क्योंकि आप सब लोग मीडिया के हैं, आपको पता है आपके पास कई खबरें हैं, आप नहीं लिख सकते, आप नहीं बोल सकते। मेरे पास भी आज ऐसी बहुत खबरें हैं, इस नोट को ही लेके, नोटबंदी को लेके मेरे पास कागज है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन नहीं बोलता। हाँ, जितना लीकेज करना है उतना ही करता हूँ जिससे समाज का ताना बाना बना रहे, वहाँ कोई दंगे नहीं हो। ऐसा कोई काम, ऐसे कोई खबर के पीछे की खबर मैं नहीं लाऊंगा। खबर के पीछे की खबर यही लाऊंगा कि लोग इतना जरूर सोचेंगे कि यार ये क्या नौटंकी कर रहे थे, परसों के दिन ये क्या बोल रहा था, देखो सही खबर तो ये है। पेटीएम की स्टोरी है मेरी, एक मेरी हवाला की स्टोरी है जिसपे बहुत सारे बीजेपी वालों ने मुझे कहा। मैंने कहा कि हवाला को लीक, हवाला के जो बड़े 10 ऑपरेटर्स हैं इंडिया में, उनको एक खबर लीक थी कि ये नोटबंदी होने वाली है। पेटीएम को एक खबर लीक थी कि ये नोटबंदी होने वाली है। आज गुजरात के एक बहुत मोदी के नजदीकी आदमी ने एक लेटर लिखा कि आपके नजदीकी दो डॉक्टरों को कैसी खबर पड़ी, ये लीक है, उन्होंने आपके अनाउंसमेंट के एक दिन पहले 5-5 करोड़ का सोना कैसा खरीदा, ये लेटर लिखा उन्होंने। ये सारी खबरें मार्केट में आएगी धीरे 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 धीरे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कोई भी चीज यदि 160 करोड़ के देश में 86% करेंसी विड्रॉ करना है तो ये एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें 50 लोग होंगे तो दीवारों के कान भी होंगे, हर आदमी को अपना इंटरेस्ट भी होगा, कहीं ना कहीं खबरें लीक हुई है। और जहां तक मैं लगातार लोग मुझे बार बार ये पूछते कि तुम कितने क्रिटिकल क्यों हो, मैंने कहा नहीं, मैं नोटबंदी पे क्रिटिकल नहीं हूँ, मैं उस प्रोसीजर पे क्रिटिकल हूँ। इकोनॉमिस्ट करके एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा द ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। सर एक सवाल है मेरा कि अभी जो उनको 12-15 दिन से जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं
ऑलरेडी ये दिखा रहे कि ब्लैक मनी इतना आया इतना है, ये पकड़ा, ये किया, व्हाई दे आर नॉट शोइंग अबाउट द गोल्ड? गोल्ड का जो बिजनेस हुआ है 15 दिन में, जो इन्होंने सीआईडी रेट मारा, जो भी सीबीआई रेट मारा, तो खबर ही क्यों नहीं आ रही है? देखो ब्लैक, चाय पिलाते हो वो दिखाते हो, ब्लैक मनी नहीं, 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 ब्लैक, इसीलिए तो खबर के पीछे की खबर है। लेकिन वो कब आएगी? नहीं आ रही है, जो आप सीरीज देखोगे तो आप ये खबर देखोगे। मैंने हवाला को सीरीज क्या बोल रहा हूँ, नहीं देखो एज अ होल मीडिया, सब लोग मीडिया के हैं, मीडिया, फिर मैं कह रहा हूँ मीडिया समाज सेवा नहीं है। हर मीडिया का एक लिमिटेड कंपनी है, वो शेयर मार्केट में भी है, उनका बैलेंस शीट भी आता है, प्रॉफिट कम होता है तो आपके इंसेंटिव्स भी घटते हैं। हम लोग, मैं भी काम करता हूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ प्रॉफिट कम हो गया तो इंसेंटिव भी घटता है। सर, एक चैनल भी नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा है। आप देखो रजत शर्मा के चैनल को लोग भले ही बीजेपी का कहे, लेकिन रजत शर्मा ने नोटबंदी के ऊपर जो चीजें लाई है वाकई देखने लायक। लेकिन टॉपिक गोल्ड का आ रहा ही नहीं है क्या? नहीं नहीं, गोल्ड ऐसा अभी नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, दिसंबर तक तो करेंसी स्वैपिंग चलेगा, उसके बाद सारे गोल्ड वालों का हिसाब लिया जाएगा। ये मूर्खतापूर्ण है, जैसे बिल्ली आग बंद करके दूध पीती है तो उसको लगता कोई देखता नहीं है। आपने गोल्ड लिया है, बिल कटे है, क्योंकि गोल्ड वाले के पास यदि कैश जनरेट हुआ है तो उसको बताना पड़ेगा ये कहां से हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो? नहीं हुआ उसने, पैन कार्ड नहीं लिया, बिल नहीं, नहीं नहीं, वो उसकी गलती है, तो गोल्ड वाला पेनलाइज होगा। लेकिन कब होगा? अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि पुराने रिटायर्ड लोगों को भी बुला रहे हैं, वर्कफोर्स कम है। ये प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं था, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी आएगी अभी। यू वॉच माई शो फॉर अ मंथ, आई विल टेल यू कि इसको प्रधानमंत्री को किसने फंसाया। कौन लोग थे कैबिनेट में जो प्रधानमंत्री को ही उन्होंने फंसाया? मैं मोदी के नियत पे शक नहीं करता, उनके मोडस अप्रेंटिस पे मेरे को बहुत डाउट है। क्योंकि यदि आप अच्छी सोच के साथ चीज गलत रूप से करते हो तो चीजें बिगड़ती है। और ये 160 करोड़ का देश है, ये उपमहाद्वीप है, यदि इसमें चीजें बिगड़ी तो इसको ठीक होने में सालों लगते हैं। और आज ग्लोबल इकोनॉमी में आपको जहां एक महीना, दो महीना, एक एक दिन महत्वपूर्ण है, वहां 2000 साल भी आपके गए तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। मैं मेरे लिए चिंतित नहीं हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो जिंदगी जी ली। आने वाली पीढ़ी, हाँ, जब 2000 के रुपए के नोट करेंसी के ऊपर विश्वास उड़ जाएगा तब आप डॉलर पे चले जाओगे। आप किसी कंट्री में जाते हो तो लोग पूछते हैं, जब मैं नेपाल में पहली बार गया तो मुझे पता नहीं था, लोगों ने पूछा आईसीएनसी, तो मुझे समझ में नहीं आया आईसीएनसी क्या होता है, तो उन्होंने बोला इंडियन करेंसी या नेपाली करेंसी, तो मैंने बोला मैं नेपाली करेंसी, बोले नहीं, वी डोंट वांट, वी वांट इंडियन करेंसी। नेपाल का यदि नेपाल की करेंसी के ऊपर विश्वास उड़ जाए, कल हमारे यहाँ डॉलर चलने लगे तो ये दुर्भाग्य होगा। और ये ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, लोगों ने, कई लोगों ने डॉलर में भी पैसे चेंज करके रख दिए। डॉलर का रेट बढ़ गया, 100 रुपए गया पुराने नोट में जो 63 रुपए था चार्जिंग का। तो ये चीजें हो रही है, ये जब हम देखते हैं, पीड़ा होती है तो बोलता हूँ। एक प्लेटफॉर्म मिला, लोगों ने पसंद किया तो ठीक है, लोग गाली भी देते हैं तो गाली भी सर आपको। सवाल है कि मोदी जी ये बोल जरूर रहे हैं, लेकिन मोदी जी पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक से उभर नहीं पा रहे, उनको भी मालूम है चीजें गलत हो रही है, अंदर की बातें, वो भी लगातार बैंक वालों को ये कर रहे हैं। अब आप चिल्ला ही सकते हो, जब आपके घर में शादी है और शादी के टाइम पे आपको मालूम है आपका कैटरर फेल हो गया, आप क्या कर सकते हो? कैटरर की माँ बहन ही कर सकते हो ना, चिल्ला ही सकते हो आप, वहाँ दाल रोटी पैदा तो नहीं कर सकते। और कैटरर नीचे मुंडी करके सुनता है, यही बात अब दिल्ली में हो रही है। वो कहते हैं कि नोट पहुंचाओ, नोट पहुंचाओ, वो तो सब पहुंचा रहे, पहुंच नहीं रहे, वो भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मोदी नहीं जानता। राखी, मेरा सवाल आपको है। जी, एक मिनट पहले, मैं अशोक जी, मैं आपका शो जरूर देखूंगी, और जितने भी हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन है ना, इनको बेनकाब करना, करप्टेड लोगों को, मैं जरूर देखूंगी आपका शो। मेरा शो देखना, सब कुछ करना, लेकिन कहीं गुस्सा आया तो मेरा नवाज शरीफ मत करना। नहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इंतजार करेंगे आपका शो का, आपके शो को देखकर टेंशन आ जाए, फिर वो मेरा शो देखेंगे रात को। जी मैम, राखी मुझे पता है कि आप सच बोलती हैं जी, एंड डोंट फील ऑफेंडेड। हाँ, सच सच बताना, कितने 500 और 1000 के नोट जमा किए बैंक में? हाय हाय, नहीं ज्यादा नहीं, 10-20 हजार थे, वो कर दिए। हम आर्टिस्ट है, अगर हम काम करते हैं, हम डांस करें, एक्टिंग करें, तो हम लोग तो व्हाइट वाले, व्हाइट कॉलर वाले, हमको हर जगह से TDS काट के पूरे चेक मिलते हैं, तो पूरे हम तो टैक्स भर भर के थक गए,
और मैं कोई मंत्री शंत्री तो हूँ नहीं, ये तो कपड़े इन्होंने मंत्री वाले पहने, बता ये भी नहीं है, हम सब व्हाइट वाले हैं और हमारे पास कोई काला धन नहीं है। ये मैं मानता नहीं, इन कपड़ों को बदनाम मत करो। आजकल मंत्री भी जींस में आने लगे हैं, तो मैंने बोला चलो मंत्रियों ने जो कपड़े छोड़े कम से कम वो पहन ले, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, कोई काला धन नहीं हमारे पास, उल्टा कोई हमें कैश देता है तो हमें डर लगता है कि ये कैश तो हम पहली बात हमें मिलता ही नहीं है, हम लोग टोटली चेक वाले लोग हैं। राखी, कपड़ों का जिक्र किया आपने, तो हाल ही में आपको भी कुछ परेशानी आई थी, केस वगैरह लॉन्च हुआ था अगेंस्ट यू, मोदी जी का भी आपने जिक्र किया था, तो वो किस तरह से कहां तक वो पूरा? कौन सा केस? कुछ कपड़े के रिलेटेड, कुछ कपड़े मतलब पहने थे या नहीं पहने थे? बिल्कुल पहने थे आपने, तो मोदी जी के फोटोज वगैरह हैं उस पे, वो तो मुझे गर्व है। मैं अमेरिका में थी इंडिपेंडेंस डे पर, और मैं वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे था, तो मेरे ड्रेस पे यस मोदी जी की फोटो लगी थी। आप मुझे बताएं, मैं आई प्राउड ऑफ मोदी जी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, कि इन्होंने अच्छे अच्छे कदम उठाया, अरे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोग उनको सल्यूट करते हैं, तो मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों ना प्राउड करूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर पर। और बस सिर्फ ड्रेस पे उनकी फोटो ही तो चिपकाई, कोई मर्डर, कोई रेप, कोई आतंकवाद तो नहीं हूं ना मैं, तो इसमें इसका कोई क्राइम ही नहीं है। लोग सलमान शाहरुख आमिर की सबकी फोटो लगाते हैं, मैंने मोदी जी की लगाई, आप क्या चाहते हैं मैं ओबामा जी की, ट्रंप की, उनकी फोटो ही लगाऊं? क्यों लगाऊं? मैं तो मोदी जी की लगाऊंगी फोटो, आगे भी पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, सलवार कमीज पहनूंगी, जो भी पहनूंगी, मैं तो मोदी जी की वो फोटो लगाऊंगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उनकी लगाऊंगी, अगर राहुल जी बन गए तो राहुल जी की भी लगाऊंगी, वो तो मेरे पड़े ना, कहां फोटो लगाऊंगी। और मेरी यहाँ से मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने कुछ कहा कि ये वल्गैरिटी शो है या इसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, तो मेरे दोस्तों यूट्यूब पे तो लोग पॉर्न फिल्म भी देखते हैं, आप उनको जाके रोकते क्यों नहीं? क्या 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 नहीं देखते यूट्यूब पे? तो मेरा शो तो बहुत अच्छा है, आई फील प्राउड, और मैंने बहुत, हम लोग का जो शो आ रहा है बहुत ही इंटरटेनिंग है, पूरा मसाला है, लोगों को बहुत पसंद आया। राखी, आप यूपी इलेक्शंस में खड़ी हो रही है यहां पे इस साइड, किसी को लूटा तो नहीं ना, गरीब को, किसान को, उनके पैसे तो नहीं खाए ना, कम से कम ईमानदारी से मैं काम कर रही हूँ, और इलेक्शन की बात है वो अलग है, हिम्मत चाहिए किसी हिंदुस्तान की लड़की में, अरे कोई फिरंगा के करेगी तो आप लोग तालियां बजाओगे, मैं हिंदुस्तान की लड़की और मैंने किया काम, हाँ मैं बहुत ही गर्व से किया, उसमें क्या है, हर शो में जैसे स्वयंवर किया था, किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ था लेकिन फिर सबको पसंद आया, बिग बॉस किया, ऐसा होता है, अभी मैंने ये सीरीज निकाली है, इसके बाद देखो इसके इससे ज्यादा क्या क्या लोग निकालते हैं। यूपी इलेक्शंस के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ठावले जी ने अनाउंस किया है कि मैं यूपी इलेक्शन में मायावती जी के ऑपोजिट चुनाव लड़ूंगी, ये बात सच है, और तैयारी चल रही है, अभी तो नोट है नहीं किसी को देने के लिए। हाँ लेकिन एक बात है, मेरे पास नोट नहीं है वोट पाने के लिए, शायद मैं यूपी बिहार का इनका जो दिल है अपना डांस करके इनका दिल जीतूं, मेरे पास तो यही टैलेंट है, मेरे पास नोट नहीं है गोनी भर भर के, तो डेफिनेटली इस बार मैं अलग कोशिश करूंगी, यहाँ पे हाथ जोड़ जोड़ के लास्ट टाइम थक गई थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं अपना टैलेंट दिखा के उनको बताऊंगी कि मुझ में ये टैलेंट है, मैं बॉलीवुड से हूँ, अगर आप यूपी में विकास चाहते हो, छोटे छोटे विकास घर वाले नहीं है, सचमुच का विकास, यूपी में विकास चाहते हो, अच्छी सड़कें से लेके किसानों का किसानों के लिए काम, मतलब अच्छा काम करूंगी डेफिनेटली अगर मुझे चुन के लाते हैं तो। अभी मैंने स्पीच मेरी रेडी नहीं की है, बट ये तो सिर्फ मैं अपनी ये शो जो है यूट्यूब का राखी एंड खाकी, इसी के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, और आगे जाके देखते हैं क्या होता है, आई डोंट नो, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। नीति मैडम, एक सवाल आपसे है, नीति मैडम आपके जैसे AIB का कंटेंट एक आया हुआ था, काफी विवाद हुआ था ऐसे वल्गर कंटेंट, आपकी शॉर्ट फॉर्मेट कंपनी बना रही है अभी इस टाइप का कंटेंट, तो आगे चल के विवाद बढ़ सकता है जो इस टाइप से इसमें डायलॉग्स वगैरह है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वल्गर कंटेंट है, आई थिंक जहाँ पे भी राखी ने मे बी एक दो अब्यूजिंग लैंग्वेज जो यूज़ की है वो बहुत फ्लो के साथ जा रही है, एंड आई थिंक इट्स मोर अबाउट द स्क्रिप्ट, देयर इज नो वल्गैरिटी इन द शो, सो
So I don't see that we're going to face any problems. हाँ एंड वो तो जो हाँ जो था वो एक इवेंट था और वहाँ पे ओवर द टॉप किया हुआ था यहाँ पे नवाज शरीफ की ले रही थी मैं एंड यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वी आर नॉट रियली टारगेटिंग एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और एनीथिंग इट्स अ कॉमेडी शो एंड इट्स जस्ट गोइंग टू बी लाइक दैट एंड मुझे नहीं लगता कि यू नो सिंस यू मेंशन अबाउट द AIB शो आई यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक दे आर क्रिएटिंग ग्रेट कॉन्टेंट बट I think that was a very desperate attempt so that the media covers them. I don't think with Rakhi Sawant you need to do any such desperate attempt. If Rakhi is there, you are bound to get viewership and all of that. So that's what I have to say. Thank you. Thank you, madam. Chalo, one to one. Thank you. Madam, wait. एक सेकंड मैडम एक सेकंड 10 मिनट रुको जरा मैम वेट सलाम लेट करो राखी मैम सामने राखी मैम थोड़ा सा सामने राइट मैम राइट ला अरे किती तिकडे इकडे मॅम सामने अरे थांब ना ये कहीं ना कहीं भारत का चिन्ह है शेर का चिन्ह इसको लेके आपने शो में जिस तरीके की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है क्या ये पुलिस मुंबई पुलिस इसको मान्य करेगी देखिए ये तो हमने रेंट पे मंगवाई है ना तो अभी वहाँ पे अब मुझे पुलिस का मेरा रोल है ये जो वर्दी वो हमने रेंट पे ली है और मैंने पहनी है तो भारत का शेर नहीं लगेगा तो कौन सा शेर लगेगा और मेरे ख्याल से मेरा शो कोई वल्गर नहीं है इसमें ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है बहुत ही इंटरटेनिंग है और शरीफ जो नवाज शरीफ की मैं इस शो में ले रही हूँ तो अभी उस इतना प्यार से बात तो हम करेंगे नहीं अगर पुलिस वालों को देखें अगर बंद कमरे में अगर किसी को रिमांड में लेते हैं मैं एक पुलिस की बेटी हूँ मुझे पता है वो खुद इस एपिसोड को देखकर बिल्कुल पुलिस वाले जो रियल होंगे वो भी खुश होंगे क्योंकि पुलिस वाले डेफिनेटली ऐसे ही बात करते हैं इतनी कड़क बात करते हैं मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ शेर का या ऐसा कुछ अपमान किया है डेफिनेटली नॉट राखी जी इसके अलावा बॉलीवुड में कई सारे लोगों ने पुलिस का किरदार निभाया सलमान यस कितने बॉलीवुड कलाकारों ने ऐसे शेर में मतलब ऐसा खाकी वर्दी पहनकर ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोले हैं तो तभी आप लोग की नींद क्यों नहीं जागी जब मैंने खाकी पहन ली तो आप लोग की नींद जाग गई और मेरे पीछे पड़ गए आप लोग हाथ धोकर दिस इज वेरी बैड क्या लैंग्वेज है क्या लैंग्वेज आप बताओ क्या बोला मैंने कुछ नहीं बोला है लेकिन राखी रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार इतनी प्रतिष्ठित पर्सनालिटी हैं वर्ल्ड वाइड उनके खिलाफ आप मतलब आपने ऐसा बोला है तो कुछ क्या हुआ रजनीकांत जी का क्या हुआ आपने जो वर्बल यूज किया है रजनीकांत के लिए वो क्या आपको सटीक लग रहा है नहीं आई डोंट थिंक सो कि मैंने रजनीकांत जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे फेवरेट हीरो रजनीकांत जी है और देखिए कभी कभी क्या होता है जो राइटिंग आती है स्क्रिप्ट हमारे पास तो वो ऐसे ही हमें करना पड़ता है वो तो उनकी स्टाइल जो है उनकी स्टाइल थोड़ा पकड़ने की कोशिश करी है और उनके खिलाफ तो मैं कभी नहीं जा सकती बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ सिनेमा आपकी तारीफ की रजनीकांत भी नहीं तारीफ की कहां रॉबर्ट के लॉन्च में क्यों में आपका भी नाम लिया आपका कंपेयर माधुरी श्रीदेवी से किया गया है माधुरी श्रीदेवी जूही चावला और उसके बाद राखी सावंत का नाम लिया गया थैंक यू सो मच मैं रजनीकांत जी को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी तारीफ करी उन्होंने मेरा नाम लिया बहुत जल्द मैं उनके साथ एक आइटम सॉन्ग करने वाली हूँ क्या पोर्न स्टार बनना चाहती है ऐसी कुछ खबरें आई है क्या क्या पोर्न स्टार बनना चाहती है ऐसी खबरें आई है
नहीं नहीं मुझे कोई पोर्न स्टार बनने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और हिंदुस्तान में ये सब चलेगा भी नहीं। मेरे ख्याल से जो राखी इनखा की मेरा नया शो आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें सब बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर उन सबके बैंड बजाने वाली हूँ मैं अपने शो में। भी लेने का पंडित जी आइए, इनको बोलना ना ट्रांसफर कर दे। अगला एपिसोड पंडित जी के साथ आने वाला हाँ, चल एक साथ करते हैं। प्रशांत का